नमन कहाँ तक हो गया? यहां तक चले जाते थे आपने किया। यहां तक सबका हो गया? अनिरुद्ध, यस हाँ सर। इस इंटरवल पे माइनस इनफिनिटी से माइनस टू पे एफ डैश एक्स का साइन कैसा होगा बताओ। सर -3 ले लो तो -3 लेके यहां पर डालो, हाँ नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव यस आ रहा पॉजिटिव आ रहे हैं सर, हाँ सर। नेगेटिव आएगा। कैसे -6 इंटू -1 इंटू -2 आ रहा है, नेगेटिव आएगा। यानी बताओ आपका पॉजिटिव क्यों आ रहा है? अच्छा मैंने लाइक x² + 3x + 2 में डाला जैसे। कहीं भी डालो वैसे तो, बट यहाँ डाल, यहाँ की कैलकुलेशन सबसे इजी होगी जहाँ पर मैंने डाला है। ऐसे नहीं किया समझ क्या बता आ अब गया इसके मेरा बीच नेक्स्ट का नमन, इसके बीच में बताओ -2 से -1 के बीच में। तो माइनस और 2 से -1 के बीच में -1.5 ले लो, यस सर। इसके बीच का -1.5 ले लो, डालो यहाँ पर। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसके बीच में चेक करो, -∞ to -1 के बीच में चेक करो, जैसे कि जीरो सही ले लो, जगह सर नेगेटिव आएगा यहाँ पर। सर जीरो ले लिया तो यहाँ क्या आएगा? -6 × 2 × 1 जाएगा तो बीच वाले में नेगेटिव। नेगेटिव आ रहा है। मेरा बीच पॉजिटिव है। मेरा भी पॉजिटिव है। कार्तिक के चेक करो अपना, अच्छा माइनस वन आया पॉइंट फिर। डाल के चेक करो। ठीक है, अगर ये साइन किसी को नहीं समझ आए तो बताओ। तो फर्स्ट इंटरवल हमारा क्या है, लेफ्ट साइड से देखना स्टार्ट करें तो देखो, इन दो इंटरवल्स पे -∞ से -2 एंड -1 से -1 से इन्फिनिटी, एक्स बिलोंगिंग टू -∞ से -2 यूनियन करके लिख देंगे, यूनियन -1 to infinity, -∞ से -2 यूनियन -1 से इन्फिनिटी। एफ डैश एक्स क्या है? नेगेटिव है, <|so|>। है ठीक है, एफ डैश एक्स क्या है? <|so|>। तो इस इंटरवल पे फंक्शन कैसा होगा? एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। हो गया इस इंटरवल पे फंक्शन कैसा होगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। और दूसरा इंटरवल क्या बचा? -2 से -1, -2 से
माइनस टू से माइनस वन, एफ डेस एक्स क्या है इस इंटरवल पे, ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव, तो फिर फंक्शन कैसा होगा, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, समझ गए, ऐसे कर, यस सर। सिक्स क्वेश्चन का ई पार्ट देखो, एफ एक्स क्या है, दिस, करो डिफरेंशिएट, प्रोडक्ट टू लगाओ इस पर, डिफरेंशिएट करके दिखाओ, डिफरेंशिएट करके दिखाओ, प्रोडक्ट टू लगेगा, ये एज इट इज रहा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा थ्री इंटू दिस प्लस अब एक्स माइनस थ्री का होल क्यूब एज इट इज रहेगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे ये सब कॉमन आ जाएगा, बल्कि x प्लस वन का होल स्क्वायर कॉमन आएगा, x माइनस थ्री का होल स्क्वायर भी कॉमन आएगा, बाकी क्या बचेगा, x प्लस वन होल स्क्वायर कॉमन चला गया तो यहाँ पर x प्लस वन बचेगा, थ्री कॉमन हो गया, x माइनस थ्री होल स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ से x माइनस थ्री, x माइनस थ्री कॉमन निकल गया होल स्क्वायर, तो x माइनस थ्री बचेगा, थ्री इंटू एक्स प्लस वन होल स्क्वायर, एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर, दिस इज टू एक्स माइनस टू, टू भी यहां से कॉमन ले लो तो यहां बचेगा एक्स माइनस वन, करेक्ट, वो नेवर माइंड, बताओ, नहीं मुझे लगा हम एक्स प्लस वन को क्यूब कर सकते बट एक्स माइनस वन तो नहीं कर सकते, ठीक है, पुट करेंगे इसको जीरो, क्या आएगा, यहाँ से माइनस वन, इसको जीरो पुट करोगे तो माइनस वन आएगा, इसको जीरो पुट करोगे तो एक्स इज इक्वल टू थ्री आएगा, और इसको जीरो पुट करोगे तो एक्स इज इक्वल टू वन आएगा, थ्री क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, माइनस वन, वन एंड थ्री, नंबर लाइन पे बना लो इनको, माफ करो, माइनस वन, वन एंड थ्री, साइंस लगा के दिखाओ सभी मुझे, पहले माइनस इन्फिनिटी से वन के बीच का एक पॉइंट ले लो, जैसे कि माइनस टू, माइनस टू को एफ डेस एक्स में यहाँ पर डालना, तो मैंने टिक लगाया है, माइनस टू वहाँ डालो, एक्चुअल कैलकुलेशन फाइंड करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको ये चेक करना है कि पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, करके मुझे जल्दी से बताओ, सो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सॉरी उल्टा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से लगाओ,
अनिरुद्ध माइनस इनफिनिटी से माइनस वन पे क्या आया? तो कैलकुलेट कर रहा हूँ, माइनस टू डाल के देखो कैलकुलेट। हाँ सर, मैंने बोला कि एक्चुअल कैलकुलेशन नहीं करनी है, देखो क्या है ये, सिक्स इंटू माइनस टू डाला, माइनस टू का स्क्वेयर हो गया, या माइनस टू डाला, माइनस टू डालेंगे तो माइनस टू प्लस वन, माइनस टू प्लस वन तो वन आएगा ना, वन का स्क्वेयर, माइनस टू यहाँ डालोगे तो माइनस फाइव का स्क्वेयर हो जाएगा, और यहाँ माइनस टू डालोगे तो माइनस थ्री हो जाएगा। देखो तो एक्चुअल कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होती इसमें, माइनस वन का स्क्वेयर पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, ये सिक्स है और ये माइनस थ्री है, तो ये कंप्लीट मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा, नेगेटिव, समझे भैया? चार टर्म मल्टीप्लाई है, फोर टर्म्स मल्टीप्लाइड है, जिसमें एक टर्म नेगेटिव है बाकी सब पॉजिटिव है, तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। ठीक है, माइनस वन और वन के बीच का इजीएस्ट पॉइंट जीरो, जीरो डाल के देखो, माइनस वन और वन के बीच का इजीएस्ट पॉइंट जीरो, जीरो यहां डाल के देखो, जीरो डालोगे तो क्या बनेगा, जीरो डालने से देखो ये दो टर्म वो हमेशा पॉजिटिव रहेंगे क्योंकि इन दोनों के ऊपर स्क्वेयर लगा हुआ है, जस्ट आपको देखनी है ये वाली टर्म, ठीक है, इन दोनों टर्म्स पे होल स्क्वेयर है तो ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेंगी, जस्ट आपको ये टर्म देखनी है, तो जीरो यहाँ डालोगे तो ये माइनस वन हो जाएगा, ये भी नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, समझ आया? यस सर। अब वन से थ्री के बीच का पॉइंट ले लो, वन से थ्री के बीच में क्या होगा, जैसे कि टू ले लिया तो ये सब तो पॉजिटिव ही रहेगा, जस्ट इसको चेक करना है, टू माइनस वन पॉजिटिव, लास्ट वाले का बताओ आप लोग, सर इंक्रीजिंग ही होगा, आंसर इंक्रीजिंग ही होगा, यस पॉजिटिव आया है नेगेटिव, तो पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव आना चाहिए, इंटरवल लिख के दिखाओ जरा क्या लिखोगे, इंटरवल लिख के दिखाओ, माइनस इनफिनिटी टू वन विल बी लेस देन जीरो, सो माइनस, क्वेश्चन में क्या पूछा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पूछा है, आंसर तो माइनस इनफिनिटी टू वन, माइनस इनफिनिटी टू माइनस वन, यूनियन यूनियन माइनस वन टू वन, सर दोनों एक ही होगा अगर दोनों को एक साथ लिख दोगे, माइनस इनफिनिटी टू वन, माइनस इनफिनिटी टू माइनस वन, अगर क्योंकि वन के ऊपर इस पॉइंट पे वन को यहाँ डाल के देखो, वन को यहाँ डालोगे तो माइनस वन को यहाँ डालोगे तो क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, माइनस वन को यहाँ डालोगे तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि माइनस वन आया ही जीरो डालने से था, ठीक है, तो माइनस स्ट्रिक्टली जहां पर एफ डैश एक्स जीरो से ग्रेटर हो वहां फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, लेकिन माइनस वन पे तो जीरो है तो माइनस वन को तो आप इंक्लूड नहीं कर सकते, तो आपको ऐसे लिखना होगा माइनस इनफिनिटी टू माइनस वन यूनियन माइनस वन टू वन, एफ डैश एक्स क्या है, ग्रेटर देन जीरो, implies fx is strictly increasing, decreasing. इस इंटरवल पे फंक्शन कैसा है, strictly decreasing है. Second, सर लिख लिया, x belonging to 1 to 3 union 3 to infinity,
एफ डैश एक्स क्या है? अच्छा ये मैंने यहाँ पर ग्रेटर देन जीरो लिख दिया, एक्चुअली यहाँ लेस देन जीरो। इस इंटरवल पे क्या एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो है, तो एफ एक्स क्या होगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। समझे आप? ऐसे कर दें किसी को डाउट है इसमें? नो सर। ये क्वेश्चन करके दिखाओ। एक्सरसाइज का फिफ्थ क्वेश्चन। Done, sir. दिखाओ। बताइए, इंक्रीजिंग की जगह आपने एरो लगा दिया, ये नहीं चलेगा। और पॉइंट डाला करो, पॉइंट वन एंड टू। कार्तिक जो वहां पे एक्स अच्छा ठीक है और एरोस। हाँ सो मैं वो भी ठीक है ठीक है। ठीक है, और किसी का हुआ? बस दो एक मिनट कार्तिक, एट क्वेश्चन करो आप तक। शोर हो गया, दिखाओ बेटे।
ऊपर करो. ठीक है शाबाश, हो गया सर. यस सर. स्टेबल रखो बेटा थोड़ा, एजी एजी आ रहा है. अच्छा सर, बस यहाँ पर रखो बेटे. आपने कैसे लिख दिया ये? आप बीच में क्या कैलकुलेशन कर देते हो? ये सब तो नहीं करना, ऐसे लिखो जैसे सर वो. सॉरी सर, बीच में आप क्या कैलकुलेशन कर देते हो? सर वो वैल्यू डाल के कि एक्स को माइनस थ्री लिया, जीरो लिया, ताकि सर वो पॉइंट पता चल जाए ना, मतलब वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव है. उसको साइड में करो ना बेटे. अच्छा ठीक है सर, हो गया. आगे पॉइंट क्या लिखे दिखाना देवेश. यस सर. यहाँ पर भी देखो आपने इंटरवल ज्वाइन नहीं करे हुए. इंटरवल ज्वाइन करो. अच्छा हाँ, वो यूनियन नहीं करा हुआ सर. हो गया, दिखाओ. यस सर. ये क्या किया है आपके फैक्टर नहीं बने? अपने डी बन गया फैक्टर, बन गया सर फैक्टर. स्टेबल करो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा. थोड़ा नीचे करो, थोड़ा नीचे, नीचे करो. ऊपर ये वैल्यू नहीं दिखानी होती यार. एक बात बताओ, नई नई चीजें कहाँ से लेके आ जाते हो? मैंने आपको बोला कि एफ ऑफ माइनस थ्री दिखाना है. ये टेबल में आपने एफ ऑफ माइनस थ्री और एफ ऑफ माइनस टू क्या लिख दिया? पिछला पेज वापिस करो. कुछ दिखाई नहीं दे रहा. ऊपर करो, थोड़ा ऊपर करो. ये आपने क्या लिख दिया? एफ ऑफ माइनस थ्री, एफ ऑफ जीरो. एक वैल्यू लिया और उस पे साइन. अरे भाई नहीं, ये नहीं दिखानी होती यार. कैसे समझाएं आपको? जितना समझाते हैं उतना तो फॉलो करना नहीं. फिर कुछ ऐसा लिख देना जो ऑलरेडी गलत है. सर गलत कैसे? ना गलत है इसीलिए तो. बुक खोल के देखो किसी में जहाँ तुमने आपको माइनस थ्री लिखा है, पूरी बुक में कहीं लिखा मिलेगा आपको? खोल के एनसीईआरटी देखो जरा, किसने कहा तुम्हें ये वैल्यू लिखनी होती है? सर स्कूल में ऐसे करते थे. स्कूल में मैं गारंटी देता हूँ ये नहीं लिखवाया एफ ओ माइनस थ्री. तुम स्कूल का कोई पेज दिखा, टेबल की मैं मान सकता हूँ एफ ओ माइनस थ्री लिखा हो ऐसा कहीं दिखा दो. अच्छा नहीं, वो टेबल में मैंने लिखा ना, तो फिर कहीं भी नहीं लिखा जाता ये. तुम मुझे स्कूल का बता रहे हो. अच्छा तो बट मैंने यहाँ लिखा सर. जैसे बताया जाता है वैसे लिखा करो. जब तुम्हें या तो खुद से पता हो कि ये सही है या गलत है. नहीं पता है तो फिर उतना ही लिखो जितना बताया जाता है. Yes, मुझे तो इसमें कहीं तुम्हारा यूनियन का साइन भी नहीं दिखाई दे रहा नीचे वाले में. सर नीचे में क्यों यूनियन होगा सर? एक ही तो वाली है. पिछला पेज दिखाओ दोबारा. ऊपर करो. टेबल बनानी है तो सिर्फ इतनी टेबल बनानी है, जितने मैं बता रहा हूं उतनी लिखोगे. इंटरवल. यस सर. पहला इंटरवल कहां से कहां का आया बताओ? पहला इंटरवल था माइनस इनफिनिटी टू माइनस टू. माइनस टू टू. दूसरा क्या था? सेकंड इंटरवल माइनस टू टू थ्री. थर्ड थ्री टू इंफिनिटी. इंटरवल वो ये ब्रैकेट एफ एस एक्स क्या आए थे? ब्रैकेट क्या बने थे एफ एस एक्स के तुम्हारे?
मैंने माइनस थ्री लिया पहले इंटरवल में एंड उसके बाद साइन नेगेटिव आया, साइन ऑफ बाद सिंपल ये लिख दो। अच्छा ओके, तो मैंने बस लिखा कि उस इंटरवल में कौन सा वैल्यू लिया है, वही था वो। यार वो नहीं लिखना होता, वही नहीं लिखना होता जो तुमने लिखा है। हाँ ठीक है समझ। दो ब्रैकेट क्या आए थे इसके, ब्रैकेट बताओ। इसका नेगेटिव आया पहले इंटरवल में, वैल्यू नेगेटिव आया। अरे एफ डैश एक्स के फैक्टर करे होंगे ना, फैक्टर क्या आया एफ डैश एक्स के वो बताओ। एफ डैश एक्स के फैक्टर मतलब मैंने तुम्हारे तो आया ही नहीं ना, मैंने क्रिटिकल पॉइंट्स के फैक्टर बताओ सर। थ्री एन माइनस टू क्रिटिकल पॉइंट्स थे आपका जो एक्स माइनस टू है उसमें प्लस होना चाहिए इंटरवल माइनस इनफिनिटी से माइनस टू, माइनस टू से थ्री और थ्री टू इनफिनिटी, ये तीन इंटरवल आए थे। साइन ऑफ एफ डैश एक्स बस सिंपल ये लिखो इसमें, और नेचर ऑफ एफ एक्स से टेबल नहीं बनाओ। माइनस इनफिनिटी से माइनस टू क्या था, नेगेटिव, नेगेटिव सेकंड वाला भी नेगेटिव है, थर्ड वाला पॉजिटिव है। यहाँ पॉजिटिव था और यहाँ नेगेटिव, नहीं सर थर्ड वाला पॉजिटिव, नहीं सर गलत है, थर्ड वाला पॉजिटिव कैसे हो सकता है, थर्ड वाला पॉजिटिव ही आया मेरा, गलत है तुम्हारा सर। कैसे गलत कैलकुलेशन करी होगी तुमने कुछ, अगर टेबल बनानी तो ऐसे बनाओगे। बस टेबल में तीन कॉलम बनाओगे इससे ज्यादा कुछ नहीं। कार्तिक एफ डैश एक्स बताओ। चलो छोड़ दो, नंबर लाइन अगर हम बनाए तो नंबर लाइन ये आई थी माइनस टू थ्री, थ्री से बड़ा कोई भी पॉइंट एफ डैश एक्स में डाल के देखो। पॉजिटिव आना चाहिए यहाँ पर, हाँ सर हो गया, आ गया पॉजिटिव, हाँ सर कैलकुलेशन आ गया। ऐसे करना है, टेबल नहीं बना रहा नेक्स्ट, नई टेबल बनाओ, फिर तीन कॉलम